हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने करवा चौथ पे कैसे मैंने रेडी हुई थी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी मेहंदी की कुछ पिक्स जो कि रात को मैंने बहुत लेट लगवाई थी और बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत लेट हो गए थे सोने में। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, तो मैंने इसके साथ का सब चीज़ें बहुत लेट नाइट हम लेकर आए थे। और ये है मेरी साड़ी, ये मेरे झुमके एंड ये है मेरी बैंगल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मेरा लुक कैसा था। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया, तो मैंने एक क्रीम ली और मैंने इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। कोई भी अगर आप मेकअप करेंगे तो अगर आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेंगे, अच्छे से उसके उसको हाइड्रेट कर देंगे, तो मेकअप आपका बहुत ही सुंदर लुक देगा, अदरवाइज़ ड्राई स्किन रहती है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर। और प्राइमर को हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो ओपन पोर्स हों उसमें ये फिल हो जाए और फाउंडेशन उसके अंदर ना जाए। तो अगर फाउंडेशन अंदर चला जाएगा स्किन के तो वो बहुत हार्मफुल होता है। तो जिसके भी ओपन पोर्स हैं उनको तो प्राइमर ज़रूर ही यूज़ करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा आप इसको अच्छे से इसके अंदर डैप डैप करके आप अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। ये लग गया प्राइमर। अब नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं लैक्मे का मूस ले रही हूँ मैं, और मैं इसको अपने फिंगर से अच्छे से डाब डाब करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। मैंने इसको थोड़ा फास्ट पाउडर में लगा दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। एंड अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को पहले से ही पानी में डिप करके रख दिया था और मैंने इसको स्क्वीज़ कर लिया है, अदरवाइज ये सारा फाउंडेशन खा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ ऐसे ही करें। और जब भी आप फाउंडेशन का यूज़ करें या कोई भी आप क्रीम अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप अपने ईयर और नेक पर ज़रूर लगाएँ, अदरवाइज़ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं। चलिए अब हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट कंसीलर। और कंसीलर को मैं अच्छे से अपनी आईज़ के ऊपर लगा रही हूँ ताकि जो भी मैं आई शेडो लगाऊँ वो थोड़ा सा उभर के आए, नहीं तो कलर जो होता है ना वो नहीं आता है अच्छे से। तो जो भी डार्क एरियाज़ हैं फेस के आप उनके ऊपर कंसीलर लगा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इट्स ओके, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। अब मैं ब्रश लूँगी और मैं अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा सा सेट कर लूँगी। ये देखिए, अब मैं एक ब्राउन कलर का लैक्मे का आईब्रोज़ का ब्रश है, मैं इससे अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लूँगी। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं ब्राउन ही यूज़ करूँ, अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आई शेडो का कोई ब्राउन कलर ले कर आप उससे भी इसको अच्छे से फिल कर सकते हो। मैं आईज़ का मेकअप करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आई शेडो पैलेट से एक पिंकिश कलर लिया है जिससे कि मैं अपनी क्रीज लाइन को डिफ़ाइन करूँगी। मैं इसको क्रीज लाइन पे अच्छे से अप्लाई करके और उसके ऊपर फिर मैं ग्रीन कलर लगाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट अब मैं दूसरी आईज़ को करके फिर मैं आपके सामने आती हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों आईज़ पे लगा लिया है। मैं ग्रीन कलर लूँगी। ग्रीन कलर को अब की बार मैंने सोचा है कि मैं इनर आई एरिया में ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी। एंड मेरी साड़ी में जो गोल्डन कलर है वो थोड़ा कॉपर कलर है, मैं उसको आउटर एरिया में अप्लाई करूँगी। तो मैंने ग्रीन कलर अंदर एरिया में लगा लिया है। ये देखिए, पता नहीं गाइस क्या हो रहा था, ग्रीन कलर दिख ही नहीं रहा था। मैंने पता नहीं पिंक कलर लगा लिया था तो शायद उसके ऊपर ग्रीन कलर उतना ज़्यादा डिफाइन नहीं हो रहा था, मुझे बहुत सारे कोट करने पड़े तब वो अच्छे से दिखा। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ कॉपर कलर।
तो कॉपर कलर को मैं थोड़ा सा हाफ जो आई है उसके आउटर एरिया में अप्लाई करूँगी। ये देखिए मैंने देखिए दोनों में कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर लेके इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करूँगी ताकि ये बीच की जो लाइन है ये ना दिखे। तो मैंने इन दोनों को अच्छे से मर्ज कर लिया है। ये देखिए लाइक दिस। अब देखिए मेरे पास एक शिमर था जो कि ग्रीन कलर का ही था, लाइट ग्रीन कलर का था, बट इसका कलर इतना खूबसूरत था तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया थोड़ा थोड़ा सा। बहुत ही प्यारा ये शेड दे रहा था। अब मैं अप्लाई करूँगी आईलाइनर। ये NY का आईलाइनर है जो कि मैंने पर्पल के साइड से ऑर्डर किया था और ये बाय वन गेट वन था या फिर ये दो इकट्ठे मुझको मिले थे। ब्लू एंड ब्लैक मैंने चूज़ किया था एंड बहुत ही अच्छा ये आईलाइनर है। आपको एक बार डेफिनेटली इसको यूज़ करना चाहिए। चलिए मैं दोनों को अप्लाई करने के बाद मिलती हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल आईलाइनर लगा है ना। तो नेक्स्ट अब मैंने आज कुछ डिफरेंट सोचा है। मैंने गोल्डन कलर का एक आईलाइनर लूँगी और मैं अपनी क्रीज एरिया पे इसको लगाने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मैं ये वाला लुक सोच रही थी कि मैं इस टाइप का आईलाइनर यूज़ करूँगी बट मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो देखते हैं कैसा लगेगा। और ये बहुत ही खूबसूरत बाद में लग रहा था, मैंने फोटोग्राफ्स में देखा तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब बारी आती है, अब मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉम्पैक्ट। ये मेरे पास लैक्मे का कॉम्पैक्ट है, मैं इसको अच्छे से यूज़ कर लूँगी। इसको नेक एरिया पे। अब कॉम्पैक्ट के बाद मैं यूज़ करूँगी कंटोरिंग। अब मैं फेस की कंटोरिंग करने जा रही हूँ। तो कंटोरिंग करने से फेस थोड़ा सा शेप में लगता है। जो आईलाइन एरियाज़ पे करेंगे अगर आप और थोड़ा सा चीक बोन पे करेंगे तो उससे फेस बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर डबल चिन है तो आप अपने नेक पे भी कर लीजिए अच्छे से। तो मैंने वो कर लिया था। अब वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी तो मैंने उसको थोड़ा सा कट कर दिया है। अब मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। मैंने पिंक कलर का ब्लशर यूज़ किया था एंड इट लुक्स अमेजिंग। तो आप थोड़ा सा स्माइल कीजिए और फिर अपने ब्लश ऑन कीजिए तो ये बहुत ही अच्छा आपको लुक देगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्मज मी नॉट शुगर की मिनी लिपस्टिक एंड मुझे इसका कलर लिटरली बहुत पसंद आया है एंड मैं इसको बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ। एंड माय फेवरेट कलर इज़ पिंक। तो मैं पिंक लिपस्टिक बहुत टाइम यूज़ करती हूँ। अब नेक्स्ट जब आज करवा चौथ है तो चमकना तो बनता है, मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। शुगर का ये हाइलाइटर है, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। अगर आप कभी यूज़ करना चाहें तो प्लीज़ डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। और बहुत ही अच्छा इसका कलर आ गया था, थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था। फिर मैंने इसको रब किया एंड अब हम इसको फेस मेकअप को फिक्स कर देते हैं मेकअप फिक्सर से। अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लुक कैसा लगा। बाय बाय।